तीन वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। देख सकते हैं जलवायु संबंधी खोज की ग्लोबल वार्मिंग का सटीक अनुमान लगेगा उसके लिए जापान के सिक्रो मनाबे को, क्लास हैसलमैन जर्मनी के और जॉर्जियो परोसी इटली के इनको चुना गया है। स्टॉकहोम में इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जापान, जर्मनी और इटली के तीन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने कहा है कि जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए संयुक्त रूप से इनको चुना गया है। जापान के सिकुरो मनाबे जो कि 90 वर्ष के हैं और जर्मन वैज्ञानिक क्लास हैसलमैन 89 वर्ष के इस वर्ष का नोबेल दिया जाएगा। उन्होंने धरती के जलवायु का भौतिक मॉडल बनाया है, इसमें होने वाले बदलाव की सटीक निगरानी हो सकेगी, ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरस्कार के दूसरे भाग के लिए इटली के वैज्ञानिक जॉर्जियो पारिसी 73 वर्ष के हैं को चुना गया है। उन्होंने परमाणु से लेकर ग्रह को मानद भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मान मिलेगा। पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा पड़ोसी को अकेले मिलेगा, बाकी में हैसलमेर और मनामे को आधी आधी राशि मिलेगी। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तीन लोगों को दिया गया है, जापान, जर्मनी और इटली के। तो जापान के सिकुरो मनाबे को, जर्मनी के क्लास हैसलमैन को और जॉर्जियो परोसी इटली के। ये नाम आप महत्वपूर्ण रखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। सिकुरो मनाबे जापान, क्लास हैसलमैन जर्मनी और जॉर्जियो परोसी इटली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।